हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा मटर गोभी की सिंपल सी सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडा मटर गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया है। अब हम उसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 3 लाल मिर्च डाल देंगे, 5 से 6 लहसुन डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग डाल देंगे और 3-4 काले मिर्च के दाने और 2 बड़ी इलायची डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। अब हम उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने 6 उबले हुए अंडे लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से छील लिया। इस पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें अंडे डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अंडे अच्छे से फ्राई होते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। और यहाँ अंडे को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। गोभी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस तरीके से एक बार अंडा मटर गोभी की सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में मसाले बनाएंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, 2 तेज पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें जो मसाले का पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दें। 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर और 1/2 कप मटर डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और पूरे 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, मसाले अच्छे से तेल छोड़ दिए हैं। अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे ताकि गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी गोभी को पका लेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे मसालों में भी भून लें। और ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोभी भी बहुत अच्छे से भुन गई है, यानी 50% तक सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम ग्रेवी में उबाल आने देते हैं और ये देखिए, ग्रेवी में बहुत अच्छी सी उबाल आ रही है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम आप लो कर लें। और पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, हमारी अंडा गोभी मटर की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।